मकर संक्रांति की खुशी में आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फाइनली हमारा मसाड़ी में चौथा दिन जो है वो शुरू हो चुका है और आज एंड भी हो जाए, क्योंकि आज हम लोग अपने गांव निकल जाएंगे, क्योंकि आज खिचड़ी है और खिचड़ी के दिन में दादी ने हमें बोला है कि गांव पे रहना जरूरी है। वैसे वो गुस्सा भी है क्योंकि हम लोग यार एक दिन के लिए निकला हुआ था मसाड़ी, लेकिन आज मेरे चौथा दिन हो गया तो सब घर पे गुस्सा भी है, तो आज हमें निकल जाना है। लेकिन यार मौसम अभी देख सकते हो पीछे, कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम अभी बाहर नहीं निकलेंगे। अभी ट्रैवलिंग करना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो अभी तो हम लोग नहीं निकलेंगे बाहर। जैसे मौसम ठीक होगा तभी निकलेंगे। तो अभी हम लोग यार फ्रेश व्रेश हो लें, बस अभी ब्रश व्रश करना बाकी है। ब्रश नहीं, देसी जुगाड़ बस ब्रश है, तो ये नीम का डंडा है, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब ब्रश करना भी एग्जैक्ट बहुत परफेक्ट होता है। और यार लेकिन करवाहट भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है नीम का। तो चलिए कोई नहीं, तो हम लोग पहले ब्रश व्रश कर लेते हैं। और यहाँ पे रहे हमारे अमित जी, तो सर्दी में इनका बेहाल हाल हो चुका है, तो गुड मॉर्निंग बोल दो भाई। हाँ, तो और यहाँ पे हम लोग अभी आग ताप रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप लोग देख सकोगे ये रहा आग जला हुआ है, तो अभी बुझ ही चुका है लेकिन अभी भी नॉर्मल गर्म कर रहा है। तो यहीं पे हम लोग हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा टोपी वोपी नहीं पहने हुए हैं। तो चलिए कोई नहीं, तो जब बाहर निकलेंगे ट्रैवलिंग के लिए मतलब घर से निकलेंगे, तब आपसे एक बार मिलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हो मौसम भी सही हो चुका है, जो धुंध था बहुत ज़्यादा मतलब खत्म हो ही चुका है और धूप भी निकल चुका अच्छा खासा। और अभी हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं, एग्जैक्टली गांव से हम लोग बाहर जा रहे हैं। अब गाड़ी पकड़ने के लिए अपने गांव के लिए निकलना होगा, तो उसे गाड़ी पकड़ने के लिए, तो अमित मुझे छोड़ने जा रहे हैं देख सकते हैं। तो इनके भी सर्दी हालत बेहाल हो चुका है, तो चलिए पहले गाड़ी के पास पहुँचते, उसके बाद आप सोर्स से मिलते हैं। हम लोग फाइनली अभी मेन रोड पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं, ये रहे अमित। तो यार यहाँ पे गाड़ियों का जो है ना आने का बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लेकिन एग्जैक्टली हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे तभी आधे रास्ते पहुँचेंगे। तो चलिए देखते हैं और कितना देर करना वेट, क्योंकि अभी हम लोग को यार 10 मिनट से अधिक हो गया वेट करते करते, लेकिन अभी भी गाड़ियाँ जो है अभी तक नहीं आई है। फिर भी वेट कर लेते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचती है, कोई गाड़ी आएगी तभी हम लोग बैठेंगे और निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं गाड़ी पकड़ने के बाद। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग रामगढ़ पहुंच गए थे, तो वहां पे हमें गाड़ी एग्जैक्टली आधा घंटा लेट मिला, लेकिन फाइनली मिल चुका था। तो हम लोग गाड़ी पकड़ के डायरेक्ट यहां पे आए, तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो यार एग्जैक्टली इसलिए हम लोग मिल नहीं पाए। तो अभी हम लोग बस में, तो आप लोग देख सकते हो बस का नज़ारा, तो बस तो भी बहुत ज़्यादा खाली है, तो अभी हम लोग को मतलब बस को निकलने में भी 10 मिनट्स लगेगा। तो चलिए वेट करते हैं और फिर पहुँचते हैं, तो आपको महनिया मिलते हैं एक बार। तो अभी के लिए तो चलिए टाटा बाबा सी यू। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी घर के लिए पहुंच चुके हैं, गांव एरिया में पहुंच चुके हैं और हम लोग रास्ते में हैं। तो एग्जैक्टली मैं मार्केट प्लेस एरिया में आज रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आज मकर संक्रांति और आज के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, तो इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग करना थोड़ा रिस्की था, फ़ोन कोई भी गायब कर सकता था, उस वक्त छीन के भाग भी सकता था, तो इसलिए हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था मार्केट प्लेस में और फ़ोन गिरने का भी खतरा था। तो अभी देख सकते हो पीछे, तो मैं रास्ते में हूँ और एग्जैक्ट अभी भी 2 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना है। तो चलिए बीच में मिलते हैं, जब रोड हम लोग पूरा क्रॉस करते हैं, शॉर्टकट जब लेंगे उस वक्त आपसे मिलते हैं एक बार और तब आपसे अच्छे से बात करते हैं। A few moments later. हम लोग फाइनली अभी शॉर्टकट वाले रास्ते पे आ चुके हैं और एग्जैक्टली मैं बहुत पहले शॉर्टकट वाले रास्ते पे आ चुका था, लेकिन उस वक्त इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे खेतों में पानी उनी था और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा था आने में, तो उस वक्त रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम होने वाली थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तो अभी हम लोग सेफ जगह पे हैं, यहाँ पे हम लोग को रास्ता है जो उबड़ खाबड़ तो है लेकिन अच्छा रास्ता है फिर भी चलने के लिए। तो एग्जैक्ट मैं बताऊँ वहाँ पे रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं क्योंकि ज़्यादा भीड़ था, आज मकर संक्रांति है, तो आज बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है गाँव में, लगता है एग्जैक्टली शहरों में नहीं लगता लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा लगता है इस त्यौहार पर मेला। तो इसलिए आज हम लोग मेला तो नहीं घूमे क्योंकि आज आपको भी पता है कि हम लोग रास्ते में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो यार इसलिए वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए क्योंकि रिकॉर्डिंग करना उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम था, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग करता तो कोई फ़ोन गिरने का डर था और भीड़ में आपको पता है कि एक बार फ़ोन गिर जाता है तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी। और अभी भी यार आप देख सकते हो ठंड जो है बहुत ज़्यादा है, बस चलने की वजह से थोड़ा ऐसा है कि यार गर्मी टाइप है इसलिए मैंने ये खोला हुआ जैकेट, लेकिन फिर भी यार कहीं कभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अब देख सकते हो पीछे जो है धुंध टाइप एरिया, देख सकते हो कितना पीछे का कुछ ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि यार अचानक ही ठंड, 2-3 दिन पहले अचानक ही ठंड बढ़ी हुई है, जब से मैं मसाड़ी गया हूँ तब से ठंड बढ़ी हुई है और इस ठंड में यार मेरे भी हालत बहुत ज़्यादा पंचर हो गई है, लेकिन क्या करें कुछ नहीं कर सकते। और एक लिए आप लोग को यार देखा जाए तो ये रास्ता शायद शॉर्टकट वाला रास्ता आप लोग को भी पता होगा, और ये शॉर्टकट्स मैंने अभी चेमर पर जाता था और ये गोला का भी यही रास्ता है, तो ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा काम आता है और इस तरह चलने में रोड पर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती क्योंकि रोड ज़्यादा लॉन्गकट पड़ जाता है, तो इसलिए हम शॉर्टकट जा रहे हैं। और यार आज का दिन तो ठंड में बीत रही है और अजीब मतलब पूरा अंदर इन ठंड है। चलिए कोई नहीं, तो यार चलो अब घर पहुंचते हैं, तब आप लोग से अच्छे से बात करते हैं कि हम लोग बस में चेंजिंग वक्त क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर पाया, क्यों नहीं हर जगह रिकॉर्डिंग, कहाँ कहाँ नहीं मिलना था, जहाँ मिलना था वहाँ पे भी नहीं मिला, तो उसका मैं कारण बताऊँगा। तो चलिए पहले घर पहुँचते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं।
सो फ्रेंड्स, हाफ एन आवर के बाद हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। और यार ठंड इतनी बाहर थी कि मैं बता नहीं सकता। और अभी मैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश हुआ, जूता उता खोल लिया हूँ, अभी बैठा हुआ। तो खाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि आज मिठाई है। तो यार ये मकर संक्रांति के दिन मीठा उठा हुआ बनता है, तो आज देख लीजिए क्या बना हुआ है। दो दो है तो खाने में दिक्कत तो हो, क्योंकि मैं ये ज़्यादा नहीं खाता, क्योंकि मैं व्हाइट वाला जो छेना होता है वो खाना पसंद करता हूँ। ये गुलाब जामुन मुझे उतना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी खा लेते हैं, मीठा है। और बाकी यार उस वक्त तो रास्ते में बस स्टॉप पे भी इतना ज़्यादा भीड़ था मेला की वजह से, इसलिए हम लोग कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। डायरेक्ट हम लोग जब रोड पे आए तब आपसे मैं मिला था, तो उसी लिए थोड़ा हो गया था दिक्कत। और यार मैं नहीं चाहता था कि ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा बने, क्योंकि यार 27 मिनट 15 मिनट्स यार अबव काफ़ी है। अगर उससे कम में बन रहा है तो ब्लॉग अच्छा है, क्योंकि बंदे ज़्यादा लंबा यार ब्लॉग देखना पसंद भी नहीं करते। और यार मसाड़ी से आते वक्त भी हम लोग बहुत मज़े भी किए थे, मसाड़ी में आप लोग देख ही लिए थे, हर दिन घूमे फिरे। तो चलिए अब गांव का एंजॉयमेंट देखेंगे, और गांव के एंजॉयमेंट से खासकर सबसे पहले अपना स्टडी देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है। तो अभी खा पी के तो अब पढ़ने बैठेंगे, तो एग्जैक्टली 7 o'clock तक बैठेंगे। तो चलिए पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद मज़े करेंगे। तो यार चलिए रात को हो सके तो आपको एक बार मिलते हैं, वरना अभी के लिए तो बाय बाय। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो फाइनली फ्रेंड्स 10:30 बज गया है, और एग्जैक्टली अभी मैं खाना पीना सारा चीज़ खा कर अभी आ रहा हूँ रूम में। तो इससे पहले मतलब खाना तो मेरा आधा घंटा पहले ही हो गया था, तो अभी मैं टीवी देख रहा था, और अभी करेक्ट 10:30 बजे मैं रूम में आया हूँ अपने। तो एग्जैक्टली यार अभी तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले, तो आज वीडियो हमारा यहीं पेंड होगा, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट सो जाएंगे। तो उस वक्त तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे, और अभी रात भी हो गया तो कहीं बाहर जा नहीं पाएंगे। वैसे एग्जैक्ट अभी मेरे पास एक चैलेंज भी आया हुआ है, जो मेरी बहन ने स्पेशली मुझे दिया हुआ है। और वो चैलेंज ये है कि यार आज मुझे 3 बजे उठकर एक हॉरर स्टोरी पढ़ना होगा, वो भी अंधेरे में। जी हाँ दोस्तों, या एक नॉर्मल लाइट जलाकर मुझे एक स्टोरी पढ़ना होगा अंधेरे में, और उस स्टोरी से उसको कुछ पता करना है। और इस स्टोरी के बारे में सारा चीज़ जो है मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, कभी भी, या तो मैं आज रात को ही 3 बजे करूंगा या अकल। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं, क्योंकि अभी तक इंतज़ाम सारा हुआ नहीं है, तो सारे इंतज़ाम करने के बाद ही करेंगे। कोई नहीं दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और जो भी गलतियाँ हो उसके लिए आप कमेंट में मुझे मेंशन करो। और हाँ, स्टोरी पढ़ने वाली जो नाइट वाली वीडियो देखना है, तो उसके लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों।